हेलो एंड वेलकम बैक। अब डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल फ्रॉम लॉगरिथम। क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 324 टू द बेस 3 रूट 2 इज। तो यहां हमें दिया है लॉग ऑफ 324 और बेस में दिया है 3 रूट 2, इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। अब ये जो 3 रूट 2 है इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज रूट ऑफ, अगर ये 3 को हम अंदर ले लें स्क्वायर रूट के अंदर तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2। सो बेसिकली ये आ जाएगा रूट 18, करेक्ट। एंड 324 18 का स्क्वायर होता है, राइट। तो दोनों को हम इन टर्म्स ऑफ 18 लिख सकते हैं। देखिए तो पहले तो हम चेंज ऑफ बेस थ्योरम यूज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 324 अपॉन लॉग ऑफ 3√2। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, 324 को हम लिख सकते हैं एज 18 स्क्वायर और ये 3 अंदर जाके यहां पे देखिए रूट 18 हो गया, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ रूट 18। नेक्स्ट इज ये 2 को हम आगे ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स लॉग 18 एंड रूट 18 कुड बी रिटन एज 18 रेज टू हाफ, तो ये हाफ भी हम आगे ले सकते हैं। सो वी हैव 2 इंटू लॉग 18 डिवाइडेड बाय हाफ इंटू लॉग 18। सो लॉग 18 और ये लॉग 18 कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये 2 जाएगा न्यूमरेटर में, सो दिस इज 2 इंटू 2 अपॉन 1। सो द फाइनल आंसर इज 4 एंड ऑप्शंस अगर हम देखें तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लॉग ऑफ 324 बेस इज 3√2। अब 324 को हम फैक्टराइज कर देते हैं, 324 कुड बी रिटन एज 81 इंटू 4, राइट। अब 81 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 3 रेज टू 4 एंड 4 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2 स्क्वायर, लेकिन यहां पर बेस में 3√2 चाहिए, तो इस 2 को हम फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये जो 2 है दिस कुड बी रिटन एज रूट 2 स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, राइट, द होल स्क्वायर। सो वॉट वी हैव योर इज 3 रेज टू 4 इंटू रूट 2 रेज टू, ना 2 2 ये हो जाता है 4, तो इसे कंबाइन करके हम लिख सकते हैं एज 3√2 रेज टू 4। तो ये जो 324 है इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय 3√2 रेज टू 4 एंड बेस इज 3√2। ये 4 हम आगे ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स लॉग ऑफ 3√2, बेस है 3√2, दिस इज ऑफ द फॉर्म लॉग ए टू द बेस ए, तो इस टर्म की वैल्यू हो जाती है 1। सो 4 इंटू 1, सो अगेन वी हैव द आंसर एज 4 विच इज ऑप्शन बी।